दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई अपनी स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल बजरी पैरट लर्निंग पर। दोस्तों आज मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। और दोस्तों ये है, देख सकते हैं जो भाई जिस भाइयों को पता है कि क्या है, जो यूज़ करते हैं उनको पता है, और जिनको नहीं पता उनको बताऊँगा आज दोस्तों, और इसके बारे में समझाऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है विमरल, जो हमारे बर्ड्स का कैल्शियम और विटामिन पूरा करता है दोस्तों। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कुछ। और ये है 60 ml दोस्तों, 60 ml है ये, 100 रुपये कुछ का आया था दोस्तों। और एक 30 ml आता है, वो 50 रुपये कुछ का आता है दोस्तों। तो कोई भी वेटरनरी शॉप पे, जानवरों की शॉप पे मिल जाएगा दोस्तों, और आराम से आपको। तो दोस्तों मैं इसको बताऊंगा कैसे देनी है और कितनी देनी है, कब कब देनी है, कब नहीं देनी, ये सब वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों जो भाई मेरे एक पेयर पालते हैं या दो पेयर पालते हैं, छोटे से केज में पालते हैं दोस्तों, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और बड़े बड़े ब्रीडर भी इसका यूज करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है। तो इसमें विटामिन डी है दोस्तों, विटामिन ई है, विटामिन ई धूप के लिए होती है दोस्तों। जब कॉलोनी में धूप ना आ रही हो, केज के पास धूप ना आ रही हो दोस्तों, तो उसके लिए होती है दोस्तों। और विटामिन B12 है दोस्तों, जो ब्रीडिंग के लिए होती है दोस्तों, जो पैरट्स ब्रीड ना कर रहे हो, पेयर ना लगा रहे हो दोस्तों, उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं तो यही कहूँगा कि हर ब्रीड जो भी या एक पेयर हो चाहे उससे ज़्यादा हो, पर ये ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने वर्ष को ज़रूर दें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है उनके लिए, कैल्शियम के लिए। और दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी। तो दोस्तों जब आप एक पेयर या दो पेयर घर पे लाते हो दोस्तों, तो उसको एडल्ट लाए हो दोस्तों, तो उसको 10-15 दिन रखो, खिलाओ पिलाओ, खूब अच्छे से केयर करो उसकी दोस्तों केज में। और उसके बाद फिर जब उसको मटकी देने से पहले 10 दिन पहले शुरू कर दो दोस्तों उसको। और मैं पक्का बता रहा हूँ, आपके यहाँ ब्रीड ज़रूर होगी और अंडे बच्चे ज़रूर आएंगे, और जो ऐब होंगे वो भी बहुत मजबूत होंगे, उनका छिलका मजबूत होगा, और जो उनमें से चिक्स निकलेंगे वो इतने शानदार चिक्स निकलेंगे दोस्तों, कि इतने शानदार निकलेंगे दोस्तों। और मैं जो उनके फैदर होते हैं, पंख होते हैं दोस्तों, वो पंख भी उनके इतने शाइनिंग वाले होंगे और इतने हैवी चिक्स निकलेंगे, उनका साइज़ बहुत बड़ा होगा और अच्छी मतलब प्यारे निकलेंगे एकदम दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे दी जाती है और कब कब देनी है, कब नहीं देनी। तो दोस्तों ये आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देनी है दोस्तों, आइए। तो दोस्तों देखो ये 1 लीटर पानी लिया है मैंने दोस्तों, 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ml देनी है बस, ज़्यादा नहीं देनी। ज़्यादा दोगे ये बहुत हैवी दवाई होती है, नुकसान भी कर सकती है। और ये ऐसे दे, हफ्ते में 3 दिन दे, फिर गैप दे दे 1 हफ्ते का, फिर 3 दिन दे, 15 दिन का कोर्स कराओ 2 बार बस। तो दोस्तों ये बात समझ लें, और जब भी चिक्स निकले 10 दिन के 5 दिन के हो जाए तो ये बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत हैवी होती है, उनको नुकसान देगी, उनके चिक्स को लूज मोशन लग सकते हैं और भी उनको नुकसान हो सकता है ज़्यादा। तो उनको 10-15 दिन के बाद उनको बंद कर दें। तो दोस्तों देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये 1 लीटर पानी में मैंने 2 से 2.5 ml ली हुई है, देखिए दोस्तों। और ये 1 लीटर पानी में ऐसे डाल लें, ऐसे डाल के दोस्तों, और इसको शेक कर ले ऐसे बढ़िया से शेक करके दोस्तों, इसको बढ़िया से शेक करके दोस्तों। और अपने जो बाउल होते हैं, छोटे वाले बाउल होते हैं, उनमें इनको डाल के अपने केजों में, कॉलोनियों में रख दें दोस्तों। मैं पक्का बोल रहा हूँ आपके बर्ड्स ब्रीड ज़रूर करेंगे और अंडे बच्चे भी निकलेंगे, और उनके फैदर बहुत शाइनी वाले होंगे और उनके चिक्स भी बहुत
अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने बजीज को बहुत काफ़ी टाइमों से यूज करवा रहा हूँ ये, और मेरे बजीज हैवी भी हैं और हेल्दी भी हैं और इनसे कोई नुकसान नहीं होता। पर दोस्तों ऐसा ना करें कि इसको देते रहें हर दिन, तो बर्ड्स के लिए नुकसान भी है। तो दोस्तों बस यही आपको समझाने का वो था मेरा। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों मेरे बर्ड्स, और मैं आपके लिए नई वीडियो भी लाऊंगा दोस्तों एक, जिसमें मेरे बर्ड्स की ब्रीडिंग दिखाऊंगा, उनका प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे मैं रखता हूँ केज में और कैसे मैं ब्रीड लेता हूँ, और सब कुछ दिखाऊंगा आपको। जल्दी वीडियो लाऊंगा मैं अपनी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख लेते हैं मेरे भाई, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।